हेलो फ्रेंड, मैं हूँ स्नेहा। स्नेहा शर्मा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज बहुत ही टेस्टी नूडल्स बनाऊँगी जो मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो इसके लिए ये एक पैकेट नूडल ली हूँ, इसको अच्छे से बॉयल कर ली हूँ। एक कढ़ाई ली थी, उसमें 4 गिलास पानी डालकर नूडल डाल दिया, उसमें 1/2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दी ताकि नूडल चिपके नहीं। और उसके बाद उबलने के बाद इसे ठंडे पानी से धो लेंगे नल के नीचे डालकर, तो नूडल्स हमारा तुरंत तैयार हो जाता है। उसके बाद ये हरी सब्जियां हैं जिसमें 1 पत्ता गोभी है, 1 बीटरूट है और एक गाजर, 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज। सभी को बारीक लंबे लंबे स्लाइस में काट ली हूँ। उसके बाद गैस ऑन कर ली हूँ, कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। इसमें 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल दी। रिफाइंड ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद ये पहले हरी मिर्च डाल देंगे, उसके बाद प्याज और शिमला मिर्च डाल देंगे। तो सब्जियां आप अपनी पसंद के अनुसार ले लें। इसमें से आपके पास जो सब्जी नहीं है उसे स्किप भी कर सकते हैं। ये नूडल्स कम सब्जियों में भी बन जाएगा, या फिर और भी ज़्यादा सब्जियां चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं, और कलरफुल शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इन दोनों को डालकर बस 2-3 मिनट इसको हल्के से भून लेंगे। इसमें ना तो कलर चेंज करना है ना ही इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है, बस दो मिनट बस इसी तरह से चलाते हुए इसको भून लेंगे। उसके बाद इसमें और हरी सब्जियाँ डाल देंगे। के बाद बीटरूट और गाजर को डाल दी हूँ। इन दोनों को डाल करके 1 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद पत्ता गोभी भी डाल देंगे, तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को भी बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, जब पत्ता गोभी डालेंगे उसके साथ भी सभी सब्जियाँ थोड़ी पक जाएंगी, बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से मिक्स करके बस 1 मिनट इसको भून ली हूँ। तो 1 मिनट हो चुका है, अब इसमें पत्ता गोभी डाल दूँगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो अच्छे से पत्ता गोभी डाल दी हूँ और इसे अच्छे से चलाते हुए इसको सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। जब पत्ता गोभी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद ये पक कर कम भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे 5 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए भूनते हुए इसे 5 मिनट हो चुका है, पककर आधी हो गई है पत्ता गोभी गलकर, और सभी सब्जियां भी पक चुकी हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाले का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं चिकन मसाला डाल रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी गरम मसाले का यूज कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा चिकन मसाले डालने से हमारा जो चाउमीन है बहुत ही अच्छा बनता है। तो चिकन मसाला डालकर अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और मसाले के साथ 1 मिनट बस भून लेंगे। 1 मिनट में ही ये अच्छे से भून जाएगा। तो 1 मिनट हो चुका है, उसके बाद अब इसमें चाउमीन डाल देंगे। तो ये बॉयल किया हुआ चाउमीन डाल देती हूँ और उसके बाद इसमें सभी सॉस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून चिली सॉस, उसके बाद 1 टेबल स्पून ही विनेगर डालेंगे, उसके बाद 2 टेबल स्पून यहाँ पे सोया सॉस का यूज कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून अभी डाली हूँ, 1 टेबल स्पून बाद में डालती हूँ। तो अभी 1 टेबल स्पून डाल दी हूँ और उसके बाद 3 टेबल स्पून डालेंगे टमाटो केचप, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो 3 चम्मच टमाटो केचप डाल दी हूँ और उसके बाद सभी को मिक्स करेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाल दें आप, 1/2 टेबल स्पून नमक डाल दी हूँ। तो आप नमक स्वाद के अनुसार डालें, यहाँ पे सॉस का भी यूज कर रहे हैं इसलिए नमक ध्यान देकर डालें, थोड़ा कम ही डालेंगे नमक वरना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है इसलिए। तो नमक डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट इसी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे ताकि हमारा चाउमीन भी अच्छे से भून जाए और सभी सब्जियों के साथ और सॉस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसी तरह से इसको अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, पर मुझे लग रहा है सोया सॉस कम है, तो 1 टेबल स्पून यहाँ पे और डाली हूँ सोया सॉस। तो टोटल सोया सॉस 2 टेबल स्पून सोया सॉस का यूज की हूँ, इस बात का ध्यान रखें। तो सोया सॉस डालकर फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी सी मिर्ची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, पर मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि मैं हरी मिर्च डाली हूँ और चिली सॉस डाली हूँ इसलिए। तो आप यहाँ पे 1/2 टीस्पून अगर तीखा पसंद करते हैं तो चिली पाउडर डाल सकते हैं। तो सोया सॉस डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद
बस हमारा चाउमीन बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर ली हूँ, बिल्कुल चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छे से। तो चाउमीन को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे मिक्स करने में इधर उधर छिटकती है इसलिए। तो अच्छे से दोनों हाथों में चम्मच लेकर भी मिक्स कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये चाउमीन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और घर में बहुत ही अच्छे से घर में बनाकर खाएं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी हो जाता है। मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होती है बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए ये चाउमीन हमारा बनकर तैयार हो चुका है, तो अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो चलते हैं इसे सर्व करते हैं। इस रेसिपी को आप इवनिंग में स्नैक्स के रूप में बच्चों को दे सकते हैं और घर में ही बना कर दें हेल्दी और टेस्टी। जब भी कभी चाउमीन या नूडल्स खाने का मन करे तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और घर पे ही शुद्ध बनाएं और शुद्ध खाएं। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।